नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर आई हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता, सो क्या मांगूँ। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बहू बेटा तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और पोता, तो केवल अपने दीदा घोड़ा आँखें और घोड़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। तब बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में आकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरी भला हो, वह भी मांग लूँ। तब दूसरे दिन गणेश जी आए और बुढ़िया माई, मांग ले जो तुझे मांगना है। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया माँ की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको दे, वैसे ही सबको देना और सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।